दोस्तों आज की कहानी है नंद जी आपकी माँ का झुमका आप रख लो। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। झिलमिल की कार अब जांची छोड़ चुकी थी, लेकिन ऐसा लग रहा था सिर्फ उसका शरीर उसके साथ जा रहा है। दिल और दिमाग तो जैसे जांची में ही सूट गया था। पूरे 4 वर्षों के बाद वो मायके जांची आई थी, वो भी भाभी प्रज्ञा के काफी मनुहार के बाद। वो बिल्कुल हैरान रह गई थी जब हर दूसरे दिन प्रज्ञा का फोन आ जाता, दीदी कब आ रहे हो, ऐसे कोई रूठता है भला, प्लीज आओ ना, हम सब आपका इंतजार कर रहे हैं। माँ क्या गई, आप हमें भूल ही गई, एक बार तो आओ। आखिरकार बीती कड़वी बातों को भूलकर उसने जांची जाने का मन बना ही लिया। पूरे 4 दिन मायके में रहकर बहुत सारी मीठी स्मृतियों के साथ आज झिलमिल वापस कानपुर लौट रही थी। सच ही कह रही थी, प्रज्ञा की माँ के जाने के बाद वह मायके का रास्ता भूल गई थी। पर वास्तव में क्या ऐसा संभव है कि कोई लड़की अपना पीहर भूल जाए? कभी कभी वक्त ऐसे खुराफाती खेल दिखाता है कि असंभव सी लगने वाली बातें भी संभव हो जाती हैं, और ऐसी स्थिति के लिए मोहरा होता है हमारा कोई अपना खास, जैसे उसके केस में थी प्रज्ञा। झिलमिल तो कभी सोच ही नहीं सकती थी कि वो जीवन में कभी भी मायके से इतनी दूरी रख सकती है। मन अतीत की गहराइयों में खोने लगा। आज से 20 साल पहले जांची की उसी लाल कोठी से दुल्हन बनकर झिलमिल विदा हुई और पिया की गलियों में कानपुर आ गई। पर मायका ससुराल ज्यादा दूर नहीं होने से हमेशा जाना लगा रहता था। माई का मतलब माँ बाबा और छोटा भाई राजन, छोटा और सुखी परिवार। जब भी मायके जाती माँ बाबा अपनी हैसियत और शक्ति से ज्यादा खातिरदारी में लग जाते। विशेष तौर पर दामाद संजीव के लिए झिलमिल झूठ मूठ का गुस्सा करती कि दामाद भी बेटा होता है। आप दोनों को ख्वाब ख्वाब घर सिर पर उठा लेते हो, माँ बाबा हंस कर टाल देते। तू नहीं समझेगी, जब तेरा खुद का दामाद आएगा तब देखना उसके स्वागत के लिए कैसे तुम्हारा मन मसलेगा। इस तैयारी में भी एक खुशी है तो माँ बाबा की खुशी को 20-20 में बढ़ाने के लिए झिलमिल और संजीव जांची आते जाते रहते। जल्द ही झिलमिल के 2 बच्चे हो गए और छोटे भाई राजन की शादी होकर प्रज्ञा भी परिवार में शामिल हो गई। अब तो मायके जाने पर और मजा आता, सारे मिलकर खूब दमा सौकड़ी मसाते। कुछ दिन की रौनक लगाकर
फिर सब वापस हो लेते। सुख के दिन कितनी जल्दी बीत जाते हैं। पहले बाबा छोड़ कर गए और साल लगते लगते माँ भी बच्चों को छोड़ कर चली गई। एक साथ माँ बाबा का यूं चला जाना राजन और जिलमिल के लिए बहुत बड़ा धक्का था। दोनों भाई बहन एक दूसरे से गले लगकर बिलक पड़ते। हमारे सिर पर से साया हट गया, पर अगले ही पल जिलमिल खुद को राजन की बड़ी बहन होने के हक से झिड़क देती। कभी खुद को अकेला मत कहना, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, हमेशा तुम्हारे सिर पर सत रहेगी। अपनों के प्यार भरे बोल और ढांढस हमें कठिन से कठिन परिस्थिति से उबरने की शक्ति देते हैं। दीदी से संबल पाकर राजन खुद को सचमुच सशक्त समझने लगता। इतने सालों में जिलमिल की पारिवारिक जिम्मेदारियां भी पहले की तुलना में कम हो गई थी, इसलिए अपना कर्तव्य समझ गाय बघाई वो भाई भाभी के पास आती और अपनी ममता लुटाया करती। पर पिछले कुछ दिनों के अपने ट्रिप में जिलमिल ने नोटिस किया, प्रज्ञा अब पहले की तरह गर्म जोशी से नहीं मिलती। कई दफा तो उसे जानबूझकर इग्नोर करती। उसके आने पर वो जरूरी काम का बहाना बनाकर घंटों घर से गायब रहती। ना ज्यादा समय सामने से इस्तीफा दे दिया। प्रज्ञा की भी यही इच्छा थी कि राजन कुछ अपना काम करे, पर होता तो वही है जो परमेश्वर चाहते हैं। लाख कोशिशों के बावजूद राजन को कारोबार में नुकसान हो रहा था। पहले की सेविंग्स के बल पर कुछ महीने तो सब कुछ ठीक ठाक चला, परंतु धीरे धीरे स्थिति लसड़ने लगी। जिलमिल को राजन के बिजनेस की बात मालूम थी। वो हमेशा पूछती भी रहती कि सब कुछ कैसा चल रहा है, पर राजन की ओर से हर बार वही जवाब रहता, सब ठीक है दीदी, तुम हमारी चिंता नहीं करो, तुम अपनी जिम्मेदारियों को देखो। परंतु एक दिन प्रज्ञा का फोन आया और बात बात में उसने घर की स्थिति का जिक्र किया और फूट फूट कर रोने लगी। दीदी छोटी और ना समझ जानकर मुझे माफ कर दो, इस समय आपके भाई को आपकी मदद की सख्त जरूरत है, प्लीज हमारा घर बसा लीजिए दीदी। दरअसल नए बिजनेस के लिए उन दोनों ने काफी लोन वगैरह भी ले रखी थी। आमदनी ना के बराबर और तकाजा कराने वाले हर दूसरे दिन दरवाजा खटखटाने लगे। उस पर से घर गृहस्थी बच्चों की जिम्मेदारी तो थी ही, खर्चा पर कितना काबू करे। इस विकट परिस्थिति से घबराकर राजन ने अपने परिवार की लाल कोठी
को बेचने का मन बना लिया। प्रज्ञा के कारण पहले ही झिलमिल और संजीव जीजू से उसके रिश्ते खराब हो गए थे, तो किस मोह से वो मदद के लिए जाता। जब पानी सिर से ऊपर हो गया तब प्रज्ञा ने अपना झूठा अहम छोड़कर झिलमिल से फोन पर अपने किए की माफी मांगी। मैं आ रही हूँ प्रज्ञा, लाल कोठी नहीं बिकेगी। मायके के घर से लगाव और भाई के प्रति प्रेम ने उसे कुछ और सोचने नहीं दिया। आनन फानन में संजीव और झिलमिल ने रुपए पैसों का इंतजाम किया और उसे राजन के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। शनिवार को झिलमिल और संजीव जांची के लिए निकल पड़े। कार लाल कोठी के सामने पहुंची। राजन और प्रज्ञा भागकर बाहर आए। आंखों आंखों में मूक वार्तालाप हो गया और अनायास ही झिलमिल राजन और प्रज्ञा की आंखों से आंसू बहने लगे। दीदी जीजू, आपने हमें माफ कर दिया ना? दीदी, मैंने आपकी अच्छाई पर शक किया। मैं तो क्षमा मांगने लायक भी नहीं हूँ। मुझे लगता रहा कि आप संपत्ति की लालच में माँ बाबा के जाने बाद भी पहले की तरह आती हैं। ओहो, मैंने आपको कितना गलत समझा। आज ये घर आपके कारण ही हमारे पास सुरक्षित है। इतना कह कर प्रज्ञा फूट फूट कर रोने लगी। रोने धोने के कार्यक्रम के बाद सभी अंदर आए और फिर मिली अप्रत्याशित खुशी। प्रज्ञा के हाथ में एक पोटली थी। दीदी, ये आपके लिए। क्या है इसमें? माँ के झुमके नहीं, आपके यानी झिलमिल के झुमके हैं। माँ ने जाने के पहले खास तौर पर मुझे आपकी अमानत सौंपी थी और कहा था कि ये झिलमिल के झुमके हैं। माँ की ओर से उसके लिए आशीर्वाद, पर मैंने ईर्ष्यावश आपको नहीं दिया। मैं भूल गई थी कि बेटियां दुआओं की पोटली होती हैं। उनके पास जादुई शक्ति होती है जिसके द्वारा वो अपने मायके को आबाद रखने हेतु ईश्वर से दुआ मांगती है। मुझे सबक मिल गया दीदी। मैंने घर की बेटी की कद्र नहीं की, आपका दिल दुखाया, आपकी मंशा पर शक किया और परिणाम ये हुआ। मुझे पूरा विश्वास है जब आप पहले की तरह खुश रहोगी तो सब कुछ एक बार फिर पहले जैसा ही हो जाएगा। खुशहाल और समृद्ध तुम सब हमेशा मेरे दिल में थे, हो और रहोगे। लाओ लाओ मेरा झुमका, देखो तो कैसा लग रहा है। माँ ने जाने के बाद भी देखो हमें जोड़ने के लिए ये कड़ी रख छोड़ी थी। परिवार की खुशियाँ लौट आई। बच्चे भी बुआ और फूफा जी को एक बार फिर से पाकर निहाल थे। घर का जबरा कुत्ता भी मानो कुकू कर अपनी खुशी दर्शा रहा था। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।